नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। खबर यूपी के इटावा से है, जहां शनिवार रात को उरेंग गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से एक बाइक और एक मोबाइल और एक तमाचा बरामद हुआ। देखिए हमारे संवाददाता रानू दीक्षित की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। बाइक रोकने पर पुलिस टीम पर किया फायर। पुलिस मुठभेड़ में जो बकेबर पुलिस ने उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, और पूरी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा। आज बकेबर थाना क्षेत्र में आज पिछली जो रात बीती है उसमें एक पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ बदमाश पल्सर गाड़ी से जा रहे हैं, जिस पर पुलिस उनको रात में चेक करती है। तो जब चेक करती है पुलिस पर तो फायर करते हैं, जिस पुलिस भी उनको काउंटर फायर करती है अपने सेल्फ डिफेंस में, और दो बदमाश फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किए जाते हैं। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगती है, उसके पास से एक तमंचा कारतूस 315 बोर का बरामद किया जाता है, पल्सर गाड़ी बरामद की जाती है। बाद में जब पूछताछ की जाती है तो वो मोबाइल लूटने तथा विभिन्न महिलाओं के जो घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ कभी उनके कुंडल छीनने के या उनके पर्स उठा लेने के तथा मोबाइल ले लेने के, जब लोग बात करते करते जाते रहते हैं, ये मोटरसाइकिल से तेज़ी से आते हैं और के मोबाइल छीन के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके खिलाफ 13 अभियोग दर्ज है। इसमें जो विश्वनाथ नाम का मुलजिम है, दोनों चित्रहाट के रहने वाले हैं, एक का नाम विश्वनाथ है, एक का नाम रवि है। एक की उम्र लगभग 26 साल है, एक की उम्र लगभग 20 साल है। दोनों को आवश्यक बल लेकर गिरफ्तार किया गया है, तथा यह भी बता दूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि ये कई बार मोबाइल और महिलाओं के कुंडल छीनते थे और लूटते थे। इस प्रकार से 13 अभियोग, मैं बताऊं एक शातिर बदमाश है, 13 अभियोग दर्ज है। ये आगरा के चित्रहाट का रहने वाला है तथा एक दिल में ये स्थानीय रूप से रह रहा था, तथा इसको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें मैं कहूँगा कि एक अच्छे गैंग का, जो एक गैंग जो सक्रिय था, उस गैंग का इटावा पुलिस द्वारा पर्दाफाश भी किया जा रहा है। इन्होंने विभिन्न प्रकार की घटनाएं स्वीकार भी की है जनपद में जहाँ जहाँ पर इन्होंने घटनाएं की हैं। ये जो है आगरा से लेकर के, मैनपुरी से लेकर के औरैया और हमारे जनपद इटावा में ये सक्रिय गैंग चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उनके विरुद्ध समस्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।